मुद्दों को लेकर वोट डाला जाएगा। केजरीवाल जेल में जाने के बाद वोट आ गए, मोदी ने काम करना बंद कर दिया है। मोदी हमारे प्रधानमंत्री, मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, योगी मुख्यमंत्री। किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? चुनाव सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, तो सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्र का, इस देश के लिए चुनाव हो रहा है। और आशीर्वाद हमें रामलला का, जो 500 साल का झगड़ा चल हुआ है, सारे देश में यही गाना चल रहा है, बुलाएंगे इस मुद्दे को। मुद्दा लोग विपक्षी लोग हमें दे देते हैं, हम मुद्दे बनाते नहीं। जिन लोगों ने राम भक्तों की छातियों को गोलियों से छलनी किया था, जिन्होंने कहा था अयोध्या में वृंदावन नहीं मार सकता, जिन्होंने ये कहा था और भी आवश्यकता होती तो हम राम भक्तों को मारते, उन्हीं का आदमी, उसी पार्टी का व्यक्ति आज ये कहता है कि राम मंदिर बेकार है। अगर हिम्मत है, माँ का दूध पिया है, तो मस्जिद को बेकार कह के देखो, चर्च को बेकार कह के देखो। अब बहुत संख्यक हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं और इस चुनाव में इसका सटीक जवाब हिंदुस्तान की मोदी ने कह दिया 400 पार, 400 पार होगा। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतेगा। बिल्कुल देखिए, साथ में मदद के किसी आने में लिखमान होती है, बारी स्थिति व्यवस्था की हो रही है। ओबीसी चुनाव हार रहे हैं, राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं, अखिलेश चुनाव हार रहे हैं, जीत हो रहा है, सब चुनाव हार रहे हैं। केजरीवाल से बाहर आने के बाद हमलावर हो रहे हैं भाजपा पर, क्या कहें? जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है, तो केजरीवाल थोड़े तड़प रहे, उनको पता है एक दिन को फिर उनको जेल ले जाना है। ये तो हमारे साथ बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर जनता अपना वोट कास्ट कर रही है। अनुज गुप्ता